लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तेज हवाओं के साथ गांवों में हुई बारिश से कई तालाबों में पहुंचा पानी। रविवार को पूरे दिन मौसम में उमस बनी रही। दोपहर बाद बादल छाने शुरू हुए तो लोगों को आसबंदी की बारिश होगी। दोपहर ढलते ढलते में कई गांवों पर मेहरबान हुए। तेज हवाओं के साथ आई बारिश से कहीं 2 से 4 अंगुल बारिश हुई तो कहीं बूंदा बांदी, मगर कई गांव वैसे थे जहां बादल जमकर बरसे। तालाबों में कई फीट तक पानी आया। खेतों में भी पानी भरने से किसान खुश हुए। गजनेर में आधे घंटे तक तेज बारिश से चांडा सागर तालाब में 8 फीट तक पानी भर गया। देवगिरी तलाई भी लबालब हो गई। कुडम देसर, मोडिया मानसर, सुगन साबर, शेर खान व दरबारी तलाई व कारी चारणान में भी पानी की अच्छी आवक हुई। मंडी 465 हड्डी के आसपास 2 से 4 अंगुल बारिश दोपहर बाद हुई। नोखा में शनिवार के बाद रविवार को लगातार दूसरे दिन रिमझिम बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया। बज्जू में दोपहर को 30 मिनट तक मूसलाधार पानी बरसा। खाजूवाला मंडी में तो केवल बादल छाए, मगर सीमांत क्षेत्र के चकों में जमकर बारिश हुई और खेतों में बिजान योग्य पानी भर गया। पांचू में भी शाम को बारिश ने लोगों को 30 मिनट तक तर किया। श्री डूंगरगढ़ में चने के आकार के ओले। कस्बे में शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई फीट तक गलियों में पानी भर दिया। बारिश के साथ हल्के ओले भी गिरे।